दोस्तों आज हर पर्सन वेट रिड्यूस करने के लिए ग्रीन टी का इस्तेमाल अपने डे रूटीन में करता है, क्योंकि ग्रीन टी मार्केट में मिलने वाला एक ऐसा पेय पदार्थ है जो कि बहुत ही आसानी से हमें मार्केट में मिल जाता है और इसे बनाने के लिए हमें किसी भी तरह की कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रीन टी के फ़ायदे और ग्रीन टी के नुकसान के बारे में और कैसे आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आई एम निशा अरोड़ा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहिए। दोस्तों बात ये आती है कि क्या ग्रीन टी वास्तव में हमारा वेट रिड्यूस करती है, तो इसका आंसर है जी हाँ, ग्रीन टी सच में आपका वेट रिड्यूस करती है। अगर आपको ये पता है कि आपको दिन में ग्रीन टी कितनी बार लेनी है, ग्रीन टी को बनाने का सही तरीका क्या है और ग्रीन टी को कैसे लेना है, अगर आपको ग्रीन टी के फायदे और ग्रीन टी के नुकसान और इसको लेने की सही तरीके के बारे में पूरी तरह से पता है तो ग्रीन टी 100% नहीं 200% आपका वेट रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करती है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पूरे तरीके से डिस्कस करेंगे कि कैसे ग्रीन टी के फायदे और नुकसान को ध्यान में रखते हुए हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा चीन और जापान की जो महिलाएं होती हैं उनकी स्किन बहुत ग्लोइंग होती है और एक अलग सा ग्लो उनके फेस पर होता है, उनका फिगर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। कभी आपने नोटिस किया है कि इसका कारण क्या है? दोस्तों हजारों सालों से चीन और जापान में ग्रीन टी का यूज जो है वो एक ऐसे पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है जो कि स्किन को ग्लोइंग बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ग्रीन टी का पहला फायदा हमारे सामने क्या आता है कि ग्रीन टी हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाए रखने में, एक्ने फ्री रखने में, पिंपल्स फ्री रखने में, सनबर्न से हमारी जो स्किन खराब हो जाती है, अगर हमारी स्किन पर दाग धब्बे हैं, मुहासे हैं, तो हमारी स्किन को ग्लोइंग करने में और उसके साथ साथ हमारी स्किन को दाग धब्बों रहित बनाने में ग्रीन टी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी से हर तरह के बैड टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। अब बात करते हैं ग्रीन टी के दूसरे फायदे के बारे में। ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटीज़ पाई जाने की वजह से, ग्रीन टी के एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये हमें हार्ट प्रॉब्लम्स में भी हेल्प करती है। यानी हार्ट पेशेंट्स को अपने डे रूटीन में ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए ताकि वो हर तरह की हार्ट प्रॉब्लम से बचे रह सकें। तीसरे जो ग्रीन टी के फायदे की अगर मैं बात करूं तो ग्रीन टी हमारे मेटाबॉलिक रेट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है। मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करने की वजह से हमारी फैट बर्निंग जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और हम अपना वेट बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी रिड्यूस कर पाते हैं। अब बात करते हैं ग्रीन टी के चौथे फायदे के बारे में। ग्रीन टी एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेस बूस्टर का काम करती है। आज कौन पर्सन जो है परेशान नहीं है अपनी लाइफ में, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारा वर्कलोड्स है, बहुत सारी परेशानियां, जिम्मेवारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हर पर्सन के ऊपर जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में रहता है, चाहे वो हम घर से बाहर जाके कर रहे हैं या घर के अंदर। अगर मैं हाउसवाइफ्स की बात करूं, हम लोग ये सोचते हैं कि वो तो परेशान नहीं है, उनको क्या है, वो तो घर में बैठी काम कर रही हैं। स्ट्रेस तो उनको भी होता है अगर उनका बच्चा खाना नहीं खा रहा, अगर वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रही हैं या वो अपने मील्स टाइम पर नहीं ले पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा रीज़न होता है। अगर हम घर से बाहर जाके जॉब कर रहे हैं तो हम अपने बॉस की कितनी बातें ऐसी हैं जो हमें सुननी पड़ती हैं अगर हमारा काम जो है सही तरीके से या सही टाइम पे कंप्लीट नहीं है, तो एक स्ट्रेस का रीजन ये भी होता है। तो ग्रीन टी जो है हमारे माइंड को रिलैक्स करती है और हमारी बॉडी को स्ट्रेस फ्री, हमारे माइंड को और बॉडी को स्ट्रेस फ्री बनाती है। अब बात आती है कि क्या ग्रीन टी वेट रिड्यूस करती है, तो जी हाँ दोस्तों, अगर ग्रीन टी को लेने का तरीका बिल्कुल सही है तो ग्रीन टी आपका वेट रिड्यूस भी करती है। आपने अक्सर बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हमारा फैमिली मेम्बर या मैं खुद ग्रीन टी बहुत वक्त से ले रही हूँ बट मेरा तो कभी वेट रिड्यूस नहीं हुआ। तो दोस्तों, अगर किसी भी चीज़ को लेने का तरीका गलत है तो वो हमें फ़ायदा देने की बजाय हमेशा नुकसान देगी। बहुत सारे लोगों को आपने ये भी कहते हुए सुना होगा कि ग्रीन टी को सुबह खाली पेट लेने से ये आपका वज़न बहुत ही आसानी से गिराना शुरू कर देती है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ग्रीन टी को खाली पेट लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में एक तरह से पॉइजन का काम करती है। आपको कभी भी ग्रीन टी को खाली पेट नहीं लेना चाहिए, इससे आपकी बॉडी में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम,
जो है आपका खाना नहीं पच रहा, उस चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको खट्टी डकारें आना, कोई भी ऐसी वॉमिटिंग जैसा फील होना, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। इसलिए सबसे पहली सावधानी ग्रीन टी लेते टाइम हमें ये रखनी है कि हमें ग्रीन टी को खाली पेट तो बिल्कुल नहीं लेना है। सेकेंड चीज़, मैंने बहुत बार ये भी देखा है कि लोग जो हैं रात को सोने से पहले ग्रीन टी पीकर सोते हैं और वो ये सोचते हैं कि ग्रीन टी पीने से नींद बहुत अच्छी आती है। तो दोस्तों, ग्रीन टी पीने से नींद अच्छी नहीं आती, नींद अच्छी आती है दूध पीने से। अगर आप रात को सोने से पहले अपनी डाइट में दूध को ऐड करते हैं तो दूध एक ऐसा लिक्विड है जो पूरा रात भर आपकी बॉडी को प्रोटीन की रिकवरी तो करता ही है और सुबह आपको आपकी बॉडी को अच्छे से एक्सरसाइज करने, अच्छे से अपना दिन शुरू करने की एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए ग्रीन टी को कभी भी खाली पेट ना लें और रात को सोने के वक्त ना लें। खाली पेट अगर कोई भी चीज़ आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट करती है और सबसे अच्छे रिजल्ट्स देती है तो वो नेचर के द्वारा दिया गया पानी है, जो हमें सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे देता है और हमारी स्किन को भी बहुत अच्छा रखता है। अब बात आती है कि ग्रीन टी को फिर हमें लेना कब चाहिए। तो दोस्तों, ग्रीन टी को आप अपने मील्स के 45 मिनट के बाद लीजिए। कोई भी लिक्विड हमें अपने मील्स के 45 मिनट तक नहीं लेना चाहिए, मतलब अपने मील्स को, चाहे वो हमारा ब्रेकफास्ट है, लंच है या डिनर है, उसके 45 मिनट्स तक हमें कुछ भी नहीं लेना होता, क्योंकि ये हमारे खाने की जो डाइजेशन की प्रक्रिया है उसको स्लो करता है। तो आप 45 मिनट के बाद ग्रीन टी लें। लेकिन अब तीन मील्स आते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो हमें इसे किसके बाद लेना चाहिए? तो हमेशा ग्रीन टी को आपको आपके ब्रेकफास्ट के और अपने लंच के 45 मिनट्स के बाद ही लेना चाहिए, या फिर आप अपने इवनिंग स्नैक्स या मॉर्निंग स्नैक्स में भी इसको ऐड कर सकते हैं, बट आप इसको डिनर के बाद ना लें। अब बात ये आती है दोस्तों कि ग्रीन टी को बनाने का सही तरीका क्या है, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर मैं बात करूँ टी बैग्स की, तो टी बैग्स को क्यों अगर ग्रीन टी की तरह हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आप एक कप में टी बैग रखें और ग्रीन गर्म पानी उसमें ऐड करें, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, आपकी ग्रीन टी रेडी है। लेकिन आजकल हमारे पास मार्केट में ऑप्शंस ये हैं कि ग्रीन टी जो है हमें लूज़ पैकिंग में भी मिलना शुरू हो गई है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पानी को बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद ग्रीन टी ऐड करते हैं और उसको बॉयल होने देते हैं, जो कि ग्रीन टी के इफ़ेक्ट्स को ख़त्म कर देती है। पानी को बॉयल करने के बाद आप गैस की फ्लेम को बंद करें, उसके बाद उसमें ग्रीन टी डालें, 5 मिनट तक ढके रखें और फिर ग्रीन टी को छान कर लें। कोशिश कीजिए ग्रीन टी में आप लेमन या हनी बिल्कुल ऐड ना करें, बिना लेमन और हनी के ग्रीन टी को ही लें आप, क्योंकि इससे उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर आते हैं। मार्केट में बहुत सारी अगर मैं बात करूं फ्लेवर्स में ग्रीन टी आ रही है, तुलसी है, मिंट है, हनी है, लेमन है, आप कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा हो सके प्लेन, जिसमें किसी तरह का कोई भी फ्लेवर ऐड ना हो, वही ग्रीन टी खरीदें, क्योंकि वो आपकी बॉडी पे सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये थी ग्रीन टी से रिलेटेड कुछ जानकारी। अब अगर मैं बात करूँ होममेड ग्रीन टी की, तो मैंने अपना एक वीडियो पोस्ट किया था होममेड ग्रीन टी का। मेरे डाइट प्लान और होममेड ग्रीन टी को यूज़ करके बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस किया। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना होममेड ग्रीन टी का वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मैं अपना नेक्स्ट वीडियो होममेड ग्रीन टी पर लेकर आऊँगी। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी, इफ़ेक्टिव लगी, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सेव करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि प्रॉपर और सही जानकारी लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।